मिठास भी है और पैसा भी है। हम बात कर रहे हैं देसी गुड़ बनाने के बिजनेस की। गुड़ ये मान लो आप 32 से 33 क्विंटल 24 घंटे में बनेगा। अब हमें लाखों रुपए रोज चाहे तो हम इतने का गुड़ रोज रोक नहीं सकते। तो एक गन्ने की बात करें तो गन्ना कौन सी कोई खास वैरायटी होती है क्या जिसमें गुड़ ज्यादा आता हो? जी 0.86-0.32 इसमें शुगर परसेंट ज्यादा रहती है। तो 1,00,000 रुपए महीने आप कमा सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट एक बार होता है पूरे? जी जी पूरा एक बार। हाँ नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा बिजनेस जिसमें मिठास भी है और पैसा भी है। हम बात कर रहे हैं देसी गुड़ बनाने के बिजनेस की। दोस्तों भारत में साल 2020-21 में 170 मिलियन टन गुड़ बनाया गया था और पूरी दुनिया में जितना गुड़ बनता है उसका 70% गुड़ अकेला भारत में बनता है। दोस्तों जो 2020-21 में गुड़ बना था 170 मिलियन टन उसकी वैल्यू कितनी थी, मार्केट कितनी थी, यह आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। 358 मिलियन अमेरिकन डॉलर उसकी वर्थ थी, मार्केट कैप था, गुड़ का बाजार था। तो गुड़ का बाजार बहुत बड़ा है भारत में और पूरी दुनिया में। भारत गुड़ बनाने वाले पूरी दुनिया के देशों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है। तो आज हम सीखेंगे कि देसी गुड़ का बिजनेस है क्या चीज़ और कैसे ये गुड़ बनाया जाता है। तो आपको लेकर चलता हूँ, एक बिजनेसमैन है उत्तर प्रदेश के, लेकिन वो मध्य प्रदेश में आकर गुड़ बना रहे हैं, उनका नाम है सलीम। हाँ सलीम भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है भैया। और दोस्तों ये जगह बताऊँ तो आपको, मध्य प्रदेश का बैतूल इलाका है। बैतूल। हाँ सलीम भाई बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ यहाँ कर? जी हम यूपी पश्चिम उत्तर प्रदेश, हमारा एरिया बहुत बड़ा गन्ने का बेल्ट ही है जी, और हम उधर से ही आते हैं जी। यहाँ पे जिला बैतूल एमपी में, और यहाँ पे आके हम गन्ना खरीदी करते हैं, गन्ना कटवाते भी हैं, लेबर भी है, गन्ना काटने की भी लेबर हमारी रहती है। यहाँ किसान तो मतलब गन्ना खड़ा खेत बता देता है, वो कटवाना ढुलवाना वो सब हमारा रहता है, आपका रहता है। तो आप कितने साल से इस बिजनेस में हैं? इसमें जी मेरे को हो गई है मान लो आप 22 साल। 22 साल हो गए गुड़ बनाते हो, देसी गुड़ बनाते हैं? जी जी। देसी तरीके से कोई केमिकल नहीं? नहीं कोई केमिकल नहीं, नो केमिकल गुड़ है। नो केमिकल गुड़ है। तो सलीम भाई ये जो आपका पूरा सेटअप है जो हमने देखा है लगा रखा है, ये कितना इस पे लागत आती है अगर कोई नया आदमी काम करना शुरू करना चाहे, सीखना चाहे, करना चाहे? नया इसमें ये मान के चलो आपके 6-7 लाख रुपये लगे। 6-7 लाख रुपये। क्या क्या चीज़ लगती है इसमें? इसमें मान लो तवे लगते हैं गुड़ बनाने के लिए जी, क्रेशर लगता है गन्ना पेरने के लिए। ये जो मशीन पीछे हमारे दिख रही है जी, ये क्रेशर। तो ये क्रेशर बोलते हैं इसको, कितना प्राइस कीमत है इसकी? इसकी 3.5 लाख रुपये। 3.5 लाख रुपये की मशीन है जी। और क्या चीज बनानी पड़ती है इसमें? इसमें बस ये मोटर लगेगी इधर। हाँ हाँ। और ये तवे हैं, ये 15-17-18 क्विंटल के रहते हैं चारों जी, लोहे के हैं ये जी। तो इसमें वो आपका गुड़ उबलता है जी। तो 7-8 लाख रुपये इसमें आपका सेटअप बनाने में लग जाता है जी। तो सलीम भाई अगर कोई 7-8 लाख रुपए लगाकर ये बिजनेस शुरू करे जी, तो अभी आपका जैसे हम देख रहे हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं, काफी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, कितने लोग हैं अभी आपके यूनिट में? अभी ये मान लो आप 22 जने हैं। 22 जने। तो कितने घंटे काम होता दिन में? ये 24 घंटे चलता है, इनकी शिफ्ट चेंज होती रहती जी, इनके घंटे के हिसाब से है ये। मतलब सुबह 7 बजे लगेंगे तो शाम को 7 बजे छुट्टी हो जाएंगी, दूसरे लग जाएंगे आके। 12 घंटे की शिफ्ट है? 12 घंटे की शिफ्ट। तो आपका 2 शिफ्ट में काम करते हैं 22 लोग? 22 लोग। तो ये गुड़ जो आप बना रहे हैं पूरे दिन में कितना गन्ना आपका इसमें पिलाई होती है इसके? मतलब ये मान लो आप 12 घंटे में ये 15 टन गन्ना निकाल देगा, 150 क्विंटल जी, 150 क्विंटल गन्ना ये निकाल देगा जी 12 घंटे में। 12 घंटे में जी। और 24 घंटे में 300 क्विंटल 300 क्विंटल आपका गन्ना निकलेगा। तो 300 क्विंटल आप गन्ना जब इसका रस निकालते हो जी, तो गुड़ कितना बनता है इसमें? गुड़ ये मान लो आप 32-33 क्विंटल 24 घंटे में बनेगा। तो ये प्रोडक्शन तो काफी अच्छा है आपका जी, 24 घंटे चलता रहता है। हाँ।
और इसमें खर्चा कितना लगता है अगर हम खर्चे की बात करें, जैसे 32-33 क्विंटल गुड़ आपका बाजार में क्या भाव बिकेगा? ये बाजार में अभी इसके रेट जो यहाँ बैतूल में है वो इसके 2600 रुपए रेट। ये जनवरी 2023 में? 23 में, अभी 26 से 26 रुपए जी। और इसके अगर 2-3 महीने बाद बात करें तो? 2-3 महीने बाद आप मान के चलो तो ये हो जाएगा 3000 रुपए। 3000 रुपए जी, मतलब 30 रुपए किलो हो जाएगा जी। तो तब तक आप रुकते इंतजार करते हैं या अभी बेचते हैं? नहीं जी, हमें तो रोज का बेचना पड़ता है जी। अब हमें लाखों रुपए रोज चाह रहे तो हम इतने का गुड़ रोज रोक नहीं सकते जी, हमें तो बेचना पड़ेगा। तो इसमें पूरा गुड़ उत्पादन होकर आपको आपका मार्जिन क्या रहता है इसमें, प्रॉफिट का क्या? इसमें आप ये मान लो 25-30 रुपए पर क्विंटल गन्ने पर, आपका गन्ने पर आपका प्रॉफिट रहता है जी। तो एक दिन में 24 घंटे में जैसा आपका आपने 300 क्विंटल गन्ना पेला है तो कितना प्रॉफिट रहेगा आपका? इसमें 5-6 हज़ार रुपये, 5-6 हज़ार रुपये पर डे का आपका प्रॉफिट रह जाता है आराम से जी। और इसमें खर्चे कौन कौन से आते हैं अगर मोटे खर्चों की बात करें तो? मोटा खर्चा भैया इनका इसमें यहाँ से जो गन्ना काटने का जी, जो यहाँ लेबर गन्ना कटिंग की है ना उसका बहुत मोटा खर्चा आता है जी। जो लेबर खेत में ही रहते हैं वो गन्ना काट काट के वो भेजते हैं तो वो 50 रुपये पर क्विंटल ले रहे हैं। और गन्ने क्या भाव खरीदते हैं आप? अभी गन्ना यहाँ खरीदी चल रही है मान लो आप 200 से 220 रुपये खेत में गन्ने का लेते हैं क्विंटल, एक क्विंटल। और 50 रुपए उस पर आपकी लेबर, 50 रुपए का उस पर लेबर चार्ज होगा प्लस उसमें भाड़ा आ गया, भाड़ा भी लगेगा, भाड़ा। तो आपका यहाँ पर गन्ना पहुँच के कितने रुपए में आएगा? ये आप अभी मान लो 270 रुपए पड़ रहा है। और ये जो आपकी मशीन चल रही है काफी बड़ी मोटर लगी है इसमें कितना हॉर्स पावर का है? ये 15 हॉर्स पावर। तो कितना इसका कंजप्शन बिजली का बिल? इसका बिजली का बिल मान लो आप 16 से 18 हज़ार रुपए महीने का। तो अभी आपका यूनिट कितने महीने चलेगा यहाँ पर, कितने महीने? ये अभी मान लो आप अप्रैल तक चलेगा। अप्रैल तक, यानी कि आपका 5 महीने चलता है ये बात जी, ये दिसंबर से लेकर? नहीं, तो 11वें महीने से पकड़ लो, नवंबर से लेकर हाँ, अप्रैल तक, यानी कि 5 महीने, 5 महीने का काम, 5 महीने का काम है। तो 5 महीने के काम में सलीम भाई को एक मोटा मोटा सा अंदाजा लगाएं तो कितना प्रॉफिट रहता है? अब देखो ये है धंधा, इसमें 4-5 लाख रुपए भी मान लो कभी कभी ऐसा होता, कुछ दिन ऐसे भी आते जो इसको लेवल पे भी चलाना पड़ता है। अच्छा, नो प्रॉफिट नो मार्जिन? हाँ, वो लेबर को चलाने के लिए। कुछ महीने ऐसे आते हैं जो बहुत अच्छा मुनाफा हो जाता, कुछ ऐसे आते हैं जिनमें कुछ लेवल हो जाता। तो ये है, ये धंधा है जी। अगर कोई नया बंदा करना चाहे तो उसके क्या कहेंगे आप, क्या बताएंगे उसको? जी ये तो यही है, अच्छा है अगर कोई करना चाहे और किसी को है तो वो कर सकता है, अच्छा काम है, अच्छा काम है। तो एक गन्ने की बात करें तो गन्ना कौन सी कोई खास वैरायटी होती है जिसमें गुड़ ज्यादा आता हो? जी जी जी, जी। कौन ये सा? 086-32 086-32 जी, गुड़ है ये जी। इसमें शुगर परसेंट, हाँ हाँ, ये गन्ने की वैरायटी है 086-32, इसमें शुगर परसेंट ज्यादा रहते हैं जी। एक गन्ना और भी है उसमें शुगर परसेंट कम रहते हैं कुछ, लेकिन ये बहुत अच्छा गन्ना है, किसान भी इसको लगाएं जी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है किसानों के लिए भी बहुत अच्छा है, खेत में निकलता भी अच्छा है, शुगर परसेंट भी इसके अच्छे हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है। तो इसमें एक क्विंटल में कितना गुड़ बन जाता है? एक क्विंटल में अभी आप 13 किलो पकड़ के, 13 किलो जो आपकी एक भेली है गुड़ की, हाँ, वो कितने साइज की? वो 12 किलो, 12 किलो। तो एक भेली मतलब एक औसत आराम से निकल जाती है, गुड़ की भेली बन जाती है एक क्विंटल गन्ने से। तो ये दोस्तों प्रॉफिट वाला बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो 5 महीने अगर आप काम करेंगे तो 5 लाख रुपये तो सलीम भाई बन जाएंगे, तो 1 लाख रुपए महीने आप कमा सकते हैं। और आपका इन्वेस्टमेंट एक बार होता है पूरे? जी जी, पूरा एक बार। हाँ, फिर कितने साल चल सकता है ये? इसमें तो बस थोड़ा बहुत सीजन पे खर्चा लगता है जी, 20-30 हज़ार रुपए, 20-30 हज़ार रुपए वो वापस रिपेयरिंग करने, रिपेयरिंग में मान लो। तो आपका एक बार सेटअप लगने के बाद आप इसको सालों साल चला सकते हैं, 10 साल चलेगा जी, ये तो 200 साल चलेगा, 200 साल। इसका कुछ नहीं घसता, इसमें सिर्फ जो बेलन है वो घसेंगे, बाकी नहीं तो 10-20 आके चालू करो तो 10-20 हज़ार रुपए वो रिपेयरिंग में लगते हैं। तो दोस्तों भारत में गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या दक्षिण भारत हो, हर जगह हरियाणा पंजाब सब जगह गन्ना उगाया जाता है। अगर आप ये बिज़नेस शुरू करते हैं तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं 5 महीने में। अगर आप इसी स्केल का बिज़नेस लगाते हैं जैसा कि सलीम भाई ने लगाया है, अगर आप वैसा ही लगाते हैं तो आप कम से कम 5 लाख रुपये कमा सकते हैं। अगर आप गुड़ की बेहतर ढंग से मार्केट करके अगर इसको अच्छे प्राइस पर बेच सकें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। और ज़्यादा प्रॉफिट आप कैसा कमा सकते हैं, मार्केट गुड़ को कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक चीज़ करनी है, आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है जो आपको मार्केटिंग करना सिखाएगा, नई टेक्नोलॉजी आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस में या आप फ्रीडम ऐप के साथ सीखेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है, इसको आप शुरू कर सकते हैं, 5-6 लाख रुपये आपके एक बार लगेंगे और उसके बाद आप 10 से 20 साल तक इसी यूनिट को काम में ले सकते हैं और हर साल आप आराम से
5 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं और बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है और आप कई लोगों को रोजगार देंगे, ये सबसे बड़ी बात है। आप 20 से 25 लोगों को हर साल रोजगार देंगे। तो दोस्तों, ये फ्रीडम यात्रा का पड़ाव है मध्य प्रदेश, जिला बैतूल और गांव है बढ़ोरा, जहां पर ये यूनिट लगी हुई है। तो आप इस बिजनेस को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है और ऐसी जानकारी के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसी दिलचस्प जानकारी आपको मिलती रहे। और जो हीरो हैं, जो खुद तो अपने लिए काम करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, साथ ही दूसरों को रोजगार देते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको भी आपसे मिलवाता रहूंगा, जैसा कि हमने आज सलीम खान से आपको मिलवाया। सलीम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और उम्मीद करते हैं कि इस बार आपका सीजन बहुत अच्छा रहे। तो दोस्तों, ये बैतूल में हमारी फ्रीडम यात्रा का ये पड़ाव था, गुड़ की ये जो है कोल्हू है चल रहा है और ये ऐसे ही चलता ही जाएगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।